हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सम, समीफ, समीफेस, समीफ प्रोडक्ट्स, सम एस क्यू आर, सम एक्स टू एम बाई टू, ये सारे सम के रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं एक्सेल में, आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं इसका यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि सम कैसे करते हैं। एक तो फर्स्ट ये तरीका है कि आपको सम करने के लिए या जो भी डेटा उसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ सम करना वहाँ पर सप्लाई लास्ट और अल्ट और प्लस दोनों बटन एक ही साथ प्रेस कीजिए, ये आपको टोटल आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। फॉर्मूला से यदि हम सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एस यू एम, जैसे ही करेंगे तो ये सम आ गया फर्स्ट जो है, तो हम उसको टैब जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो सम सेलेक्ट हो गया नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अब जो ला की है उसके यूटिलाइज से हम नीचे लाएंगे टोटल डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या हुआ, इससे भी हम यूज कर सकते हैं। सम का यूटिलाइजेशन क्या है कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं यू एम, कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, कहीं से भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें यही कैलकुलेशन ऐड करना है, दो ही तीन नंबर को ऐड करना है, तो सिर्फ हम ई सिक्स से ई टेन जो आप सेल नंबर है ई सिक्स से लेकर के ई टेन तक का है जो भी सेल वो सेलेक्ट हुआ, बस उसी को ऐड करना है। तो हमें यहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं कि ई सिक्स से ई टेन तक कितना टोटल है। अब हम देखेंगे कि सम इफ का कैसे यूज करते हैं हम इस फॉर्मूला में। एक सीट हमने बनाया, सिटी है, प्रोडक्ट का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल सेल कितने में, टोटल तीन मंथ में वो देखेंगे। हम सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, पटना, भुवनेश्वर, एक एग्जांपल हमने लिया है कि बहुत सारा मिक्सअप है, ये सारे सिटी हैं, एक सिटी दो बार भी हैं, तीन बार भी है, जैसा कि हमने कलर वाइज चेक उनको मार्क कर दिया है। दिल्ली को यहाँ पे सेम कलर से मार्क किया है, पटना को ब्लू कलर से मार्क किया है, इस तरह से सिटी वाइज मार्क करके रखा मैंने। प्रोडक्ट में है एक कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया है मैंने, जियो फोन है, जियो डोंगल है, जियो टीवी है, तीन कैटेगराइज प्रोडक्ट हैं। और यही दिल्ली में जियो फोन जनवरी में कितने सेल हुए, फरवरी में कितने सेल हुए, मार्च में कितने सेल हुए, वही दिल्ली में जियो फोन फिर से सेल हुए, दिल्ली में जियो डोंगल कितने सेल हुए थे, जनवरी में कितने हुए, फरवरी में कितने हुए, मार्च में कितने हुए, तो वो हमें चेक करना है अभी। तो हम समीफ के फॉर्मूला से ही हेल्प से हम आज देखेंगे कि कैसे ये यूटिलाइज होता है उसका समीफ का फॉर्मूला। जैसा कि हम देखते हैं कि टोटल चेक करना पड़ता है पहले टोटल के लिए, तो हमने पिछले फॉर्मूला में अभी सीखा कि इक्वल टू एस यू एम सम करेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा ये, और यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल तीन को, ये हमने टोटल आ गया है। अब हम इस कॉर्नर पे ले जा करके कर्सर को नीचे ड्रैग करेंगे तो टोटल सारे का टोटल आ जाएगा प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, समीफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे यूज करने के लिए हम पता करेंगे कि सिटी का नाम, यहाँ पे हम इनपुट कुछ भी डालें जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये उसके टोटल का जनवरी फरवरी मंथ में जितने भी सेल हुए हैं वो दिल्ली एरिया का पूरा बता देगा। जियो टीवी, जियो डोंगल, जियो जो भी है फ़ोन, जितने भी चीज़ प्रोडक्ट सेल हुए हैं तीन महीने में, तो यहाँ पे बता देगा। तो इक्वल टू एस यू एम और जस्ट नीचे हम डाउन बटन से लाएंगे, समीफ का फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे, समीफ टैब बटन दबाएंगे, देख सकते हैं आप सम इफ लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है, रेंज का मतलब है इफ रेंज सिटी से किससे इसी से हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने टोटल सेलेक्ट कर लिया, फिर ये कॉमा डाला, फिर ये पूछा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम ये सिटी के जस्ट नीचे का से जो सेल है इस पर क्लिक करेंगे और फिर से कॉमा डालेंगे, फिर सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज में सम टोटल रेंज हमारे पास कितना है, ये है टोटल सम का रेंज, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इंटर डालेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जीरो आ रहा है, बट हमने सिटी का नाम ही नहीं डाला है, तो हम अभी यदि इनपुट में डालते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में टोटल जो भी सेल हुआ है, ये दिल्ली में जो भी सेल हुआ ये और ये, हम देख सकते हैं कि यदि काउंट करना चाहें तो एक फॉर्मूला भी लगाते हैं, यदि सम इक्वल टू एस यू एम और हमने सेलेक्ट करना है सेल को, ये सेल है दिल्ली का, ये भी सेल है दिल्ली का और ये भी सेल है दिल्ली का, और इक्वल टू करते हैं एस यू एम सम नंबर वन कॉमा, ये दिल्ली का है कॉमा और ये दिल्ली का है,
इंटर। तो अब हम देख सकते हैं कि 478 और 478 इक्वल टू है, मतलब कि हम यहाँ पे अब चेक करते हैं P8 पटना पे, तो अलग अलग डिटेल बताया जाता है इसमें कि हम सिर्फ अब इनपुट करेंगे सिटी का नाम और इससे हमें टोटल वहाँ पे आ जाएगा। तो सम इफ का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सम इफ का फॉर्मूला कहाँ यूटिलाइज होता है इसी लिस्ट में। लिखते हैं इक्वल टू, फिर HUMIF और सबसे नीचे डाउन बटन से लिए और टैब पे क्लिक करेंगे। टैब बटन होता है जो कीबोर्ड में नेक्स्ट के लिए। तो ये सम इस पे यूज कर लिए। अब हम इस पे फर्स्ट आप देख सकते हैं सम रेंज लिखा हुआ है। सम रेंज मतलब सम का टोटल रेंज, हमें रेंज लेना है कि किस सम से लेना है। तो ये टोटल हमने सम किया था उसका रेंज ये टोटल। फिर कॉमा डालेंगे, क्राइटेरिया वन लिखा हुआ है। क्राइटेरिया वन मतलब हमें पूरा टोटल सिटी को लेना है, एक क्राइटेरिया ये है। फिर कॉमा और इसी क्राइटेरिया वन लिखा हुआ है, क्राइटेरिया वन रेंज वन में था, क्राइटेरिया वन सिटी का जो कोड है हमने उस सेल का लिंक किया B18 जो ये B18 है। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया टू जो प्रोडक्ट टू है, तो प्रोडक्ट का डिटेल अब हम टोटली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया टू का सेल का लेंगे, तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पे इनपुट करना है तो वो सेल ले लेंगे जो कि हम चेंज करते रहेंगे और हमें डिटेल टोटल मालूम करते होते चलता जाएगा साथ ही साथ। तो हम ये इस पर अब इंटर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जियो है, लेकिन यहाँ पे अब हम जब प्रोडक्ट का नाम सिटी का नाम जब डालेंगे तो वो टोटल बताएगा कि ये प्रोडक्ट ये सिटी में इतना सेल आउट हुआ है। जैसे कि अब हम डालते हैं DEL चैंडेली और यहाँ पे लिखते हैं जियो टीवी दिल्ली में जीरो सेल हुआ है। बट हम यदि भुवनेश्वर लिखते हैं या कोई और जो भी मुंबई तो जियो टीवी मुंबई में टोटल कितने सेल हुए मुंबई में जियो टीवी जो भी होंगे टोटल सेल यहाँ पे देख सकते हैं कि 216 टोटल 216 मुंबई में ही सिर्फ सेल हुए हैं जो। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी हो सकता है, पटना में भी सेल चेक कर सकते हैं तो जीरो सेल हुआ है। तो हम इस तरह से भुवनेश्वर में देखते हैं भुवनेश्वर में 68 सेल हुआ है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये टोटल भुवनेश्वर में 68 सेल हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हैं, जियो फोन लिख सकते हैं, जियो फोन भुवनेश्वर में टोटल 290 सेल हुआ है। तो हम इस समीफ से जो है ये फॉर्मूला बहुत ही यूटिलाइज होता है जब कि हम कैटेगरी टू सब कैटेगरी में फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मच टोटल इज सेलिंग और हाउ मच टोटल इज कंजप्शन। सो हम इस फॉर्मूला का यूज हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चेक करते थे समीफ में कि दिल्ली में कितने टोटल सेल हुए हैं, बट अब हम करते हैं कि दिल्ली में जियो फोन कैटेगराइज वाइज हम चेक करते हैं सब कैटेगरी में कि अब जियो फोन या जियो टीवी या जियो डोंगल वो सब कैटेगरी से सब कैटेगरी में कितने सेल आउट हुए। तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल है ये फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट को कैसे फॉर्मूला को यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का। तो पहले हम टोटल करने के लिए इस सेल में इक्वल टू और ये रेट का जो सेल है स्टार मीन्स मल्टीप्लाई जो कि कीबोर्ड में 8 नंबर पे ये की होता है और इस पर दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल को और इंटर दबाएंगे। तो इसके कारण से ये क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये हमें टोटल आ गया था। हम जैसे कि पहले सीखा था कि हमने कि एक बार टोटल करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे टोटल हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये आप देख सकते हैं 2000 × 3 6000। अगर हम टोटल करना चाहते हैं इसको तो अभी हमने सीखा है HUM टैब बटन और ये टोटल सेलेक्ट कर लेंगे डेटा को और इंटर। ये टोटल आ गया 48,700 रुपीज़। अब हम प्रोडक्ट जो सम प्रोडक्ट्स का यूज कैसे करेंगे सेम चीज का, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी आप सिक्स मतलब लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला इक्वल टू HUMPR सम प्रोडक्ट आ गया। हम टैब के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम चेक करना हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हम ये पहले मल्टीप्लाई किए इसको इससे फिर इससे फिर उसके बाद टोटल निकाले ये जो है टाइम ये कंजप्शन ये कम होगा कैसे यदि हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तब सम प्रोडक्ट का यूज करना मीन्स क्या कि अब हमें ये ऑप्शन आ रहा है कि एरे वन मीन्स ये टोटल आप ये सिलेक्ट कर लें एरे वन
मीन्स फर्स्ट लाइन आपका सेल, फर्स्ट कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया, फिर एरे टू मीन्स ये एरे टू क्वांटिटी वाला सिलेक्ट हो गया। बट याद रहे कि दोनों का सेल सेम होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका टोटल 5 सेल है, तो इसमें भी 5 सेल ही होना चाहिए, सामने सामने का होना भी चाहिए, तो इसके कारण से ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा सम प्रोडक्ट में। अब हम इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सेम वैल्यू, और ये हमारे टोटल करने के बाद भी सेम वैल्यू आया। तो आप देख कभी देखते होंगे बिल में, कभी ऐसा आप कोई शॉप से लेते होंगे, तो ये यहाँ पे एक लाइन ऐसे सिर्फ लाइन खींच देते हैं और ये टोटल ये आपका यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन करने के बाद 48,700 वट एवर जो दिख रहा है। तो ये सम प्रोडक्ट से क्या होता है कि हमें टोटल इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आप हर बार मल्टीप्लाई करो और ये फिर टोटल करो, फिर उसके बाद सारे का फिर टोटल करने के बाद ये टोटल करो, तो ये जो आपका टाइम कंजप्शन है वो आपको विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप ये चीज़ को टोटल कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट का डिटेल को, मतलब सारे प्रोडक्ट का कितने क्वांटिटी हुए, कितने रेट हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन आपको हेल्पफुल होगा ये सब प्रोडक्ट्स में।